दोस्तों लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और इसके पहले के लेक्चर में जस्ट इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको इसके लिए डेरिवेशन दिया था लाप्लास ऑफ के लिए और बोला था कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो हमारा लाप्लास ऑफ के था के बाई एस, वहाँ जहाँ पे के हमारा था कोई भी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको कई बार फॉर्मूला पता होता है बट उसको अप्लाई कैसे करना है बहुत लोगों को पता नहीं होता है, जिससे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसके वजह से हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे जिससे हमें क्लियर आइडिया मिल जाए कि हम इन फॉर्मूले को कहाँ पर और कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो हमें ए फंक्शन के फंक्शन गिवन है और इसी टाइप्स के हम एग्जाम्पल्स लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा एफ ऑफ टी है 5 और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमें निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो जो हमारा 5 है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम निकालते हैं इसको। तो लाप्लास ऑफ 5 हो जाएगा दोस्तों 5 बाई एस, के की वैल्यू हमारी यहाँ पे 5 हो गई, में पता है लाप्लास ऑफ के होता है के बाई एस, ठीक है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो लाप्लास ऑफ के होता है के बाई एस, तो लाप्लास ऑफ 5 क्या हो जाएगा 5 बाई एस। इसी तरह से एग्जांपल 2 लेंगे, लाप्लास ऑफ हमें 8 निकालना होगा, तो क्या करेगा लाप्लास ऑफ के क्या होता है के बाई एस, तो लाप्लास ऑफ 8 क्या हो जाएगा 8 बाई एस। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं, लाप्लास ऑफ 15 अगर हमें निकालना है तो इसका आंसर हो जाएगा 15 बाई एस। तो दोस्तों इस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत ही इजीली एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी कांस्टेंट हमें मिलता है, कोई भी कांस्टेंट हमें मिलता है 56, 32, 44, उनका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 56 बाई एस, 32 बाई एस, 44 बाई एस, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी कांस्टेंट है उसका लाप्लास होगा वो कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें पता चल गया कि ये जो हमारा फॉर्मूला था उसको अप्लाई कैसे करना है। ये वीडियो बनाने का पर्पस बस मेरा यही था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा ये भी फिनिश होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना सीखेंगे।